वालेकुम नाजरीन मैं हूँ फजल हुसैन आवान ब्राड शीट मामला अभी तक दबा नहीं है वो पहले की तरह मंजर आम पर छाया हुआ है ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हुकूमत की तरफ से ब्राड शीट इंक्वायरी कमेटी के लिए जस्टिस अजमत सईद को सरबराह उसका मुकर्रर कर दिया है इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ़ से कोई रद्द सामने नहीं आया जस्टिस अजमत सईद शे, शेख वो जज हैं जिन्होंने पनामा केस में मियाँ नवाज शरीफ को नाल करार दिया था इस हवाले से दो फैसले सामने आए थे पहले फैसले में तीन जजों ने मियाँ नवाज शरीफ को नाहल करार नहीं दिया था बल्कि मियाँ नवाज शरीफ का मामला जे आई टी को भेजने की सिफारिश की थी तीन जजों का फैसला था जो पाँच जजों के मजमू फ़ैसले पर भारी पड़ा दो जजों ने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ को अभी नाहल करार दे दिया जाए उन दो जजों में एक साफी जस्टिस पाकिस्तान आसफ़ सईद खान खोसा थे और दूसरे आज के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद थे जस्टिस अजमत सईद शेख उन तीन जजों में शामिल थे जिन्होंने बाद में फ़ैसला दिया पाँच जजों का मुतफ़ा फैसला आया कि मिया नवाज शरीफ नाहल हैं जिसको मिया नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की तरफ़ से कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ की करप्शन के सबूतों सामने नहीं आए अकामा की बिना पर मियां नवाज शरीफ को नाहल करार दे दिया गया बहरहाल अब जस्टिस अजमत सईद शेख उस कमेटी के सरबराह मुकर किए गए हैं जिसने ब्राड शीट मामले की इंक्वायरी करनी है तो जब यह मामला पहले सामने आया किस तरह सामने आया जो फ़ैसला किया गया था ब्राड शीट के हवाले से बरतानवी अदालत की तरफ़ से उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ़ और मरीम नवाज़ शरीफ़ और उनके साथियों ने यह कहना शुरू कर दिया अल्लाह का शुक्र है कि हम सुरख हो गए हमें अल्लाह ताला ने बाइज़त बरी कर दिया हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत सामने नहीं आ सका बल्कि जो एवन एवन फ्लैट्स हैं एवन फील्ड फ्लैट्स हैं उनकी भी मलकियत का फैसला हो गया मियाँ नवाज शरीफ और उनके हामी मरीम नवाज़ शरीफ समय थे। इसको अपने हक़ में फैसला कह रहे थे लेकिन लंदन में मौजूद एक यूट्यूबर इरफान हाशमी ने ब्राड शीट के सीईओ या ब्राड शीट के चेयरमैन जो भी उनका नाम है जो भी वो बंदा जो भी उसको कह लें उसका जो भी हो मूसवी कावे मूसवी उससे रबता किया और सारी इन्फॉर्मेशन दुनिया के सामने रख दी कावे मौसवी ने कावे मूसवी ने कहा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ झूठ बोल रहे हैं इनके हक़ में फ़ैसला नहीं आया इसके बाद पाकिस्तान में एक हलचल मच गई जबकि लंदन में हर पाकिस्तानी चैनल के कॉरेस्पोंडेंट्स मौजूद हैं हर अखबार के लोग मौजूद हैं लेकिन एक ने भी मूसवी का इंटरव्यू करने की कोशिश नहीं की ये इंटरव्यू किया तो एक यूट्यूबर इरफान हाशमी ने किया जिससे ये मामला बहुत ही हाई लेवल पे जा के रुका रुका भी नहीं बल्कि अब तक जारी है पाकिस्तान में इरफान हाशमी से हसद रखने वालों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये कौन है हम तो इसको जानते नहीं ऐसे लोगों का क्या कहा जाए कि अगर तुम उसको नहीं जानते उसकी खबर को तो जानते हो उसने किस तरीके से खबर निकाली है किस तरीके से इंटरव्यू किया है उसके बाद ना सिर्फ बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी अखबारात के और टी वी चैनल्स के नुमाइंदान या कॉरस्पॉन्डेंट्स जो भी हैं उन्होंने भी मूसवी से रबता किया और फिर गंगलुओं से मिट्टी झाड़ने की कोशिश की उसके बाद तो कावे की मूसवी के इर्द गिर्द पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और बरतानवी में मौजूद जर्नलिस्ट मक्खियों की तरह उनके ऊपर झपटते हुए नज़र आए इधर से उधर से उसको वो इंटरव्यू कर रहा है ये इंटरव्यू कर रहा है एक बंदे का बीसियों बार इंटरव्यू करके रखा किया गया उसमें क्या नई बात हो सकती थी कुछ भी सामने नया नहीं आया जो कुछ इरफान हाशमी ने पहले कर दिखाया था वही बहुत कुछ था यहाँ पाकिस्तान में कई मौजूद सहाफ़ी अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म का तुरम खान कहते हैं ये भी कुछ नहीं कर सके ये भी मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं उसी मूसवी के पीछे पड़े हुए हैं इनकी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी सामने नहीं आ सकी जर्नल अमजद पाकिस्तान में मौजूद हैं ये लोग तो उन तक भी नहीं पहुँच सके यहाँ ये भी वजाहत ज़रूरी है कि ये अमजद शुएब नहीं है जनरल अमजद शुयब और हैं जो यूट्यूब की वजह से मशहूर हैं मीडिया में आने की वजह से मशहूर हैं लेकिन पाकिस्तान में नैब के जो पहले चेयरमैन थे जनरल अमजद पहले थे या दूसरे थे वो जनरल अमजद और हैं उनके दौर में माहा हुआ था और फिर एक और जनरल के दौर में ये माहदा मनसूख हो गया वो जनरल मकबूल थे